बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ठंडा ठंडा सा शरबत, और वो भी बहुत ही बेहतरीन। तो चल स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। 3 कप दूध ले लिया है एक पैन में, फ्रेश मिल्क है ये, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पाउडर मिल्क, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए इसमें और थिक सा हो जाए। फ्रेश मिल्क थोड़ा सा पतला होता है, या तो फिर आप उसको पकाना पड़ेगा ज़्यादा देर, और अगर नहीं पकाना है तो फिर आप उसमें पाउडर मिल्क ऐड कर लें थोड़ा सा, तो वो अच्छा सा थिक हो जाएगा और टेस्ट भी इसका बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। तो जब इसमें बॉयल आ जाए तो फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी ले ली है 1/4 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मीठा पसंद है तो और भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। जब पानी हल्का हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाए, इस तरह से बबल्स आने लगे, तो फिर उसके बाद उसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबूदाना 1/3 कप। ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, हड्डियों के लिए भी और पेट के लिए भी। ये बहुत ही ठंडा होता है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, इसका और तुख मलंगा का। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है रमज़ानों में ख़ासतौर पर। और अब इसको इतना पकाना है कि देखिए ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। ये वाइट कलर था लेकिन अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहना है जब तक ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और अब इसको स्ट्रेनर की मदद से मैं छान रही हूँ, ताकि हमें सिर्फ बॉल्स मिल जाए इसके, यानी साबूदाना अलग हो जाए और इसका पानी अलग हो जाए। आप चाहें तो इसका पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके बॉल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया है। दूध को भी हमने ठंडा कर लिया था, और अब उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड कर लिया है। कोई भी आप जो शरबत आपको पसंद हो, जो भी फ्लेवर, आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ठंडा ठंडा सा साबूदाना इसमें ऐड कर दिया है, तो देखें ये अच्छा थिक हो जाएगा खुद ब खुद ही साबूदाने की वजह से। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तुख मलंगा, 3 टेबल स्पून ले लिया था। इसको भिगो लिया था मैंने पानी में, सोक कर लिया था अच्छी तरह से। ये भीग जाता है जल्दी ही, तो बस आप जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है करना, रमज़ान में ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है गर्मियों में। और अब यहाँ पर कुछ जेली ले ली है मैंने फ्लेवर की, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो फ्लेवर की, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। छोटे छोटे से पीसेस कट करके इसमें ऐड कर देंगे, तो देखें कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी बनेगा ये शरबत, है ना? बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा शरबत। रमज़ानों के लिए ख़ास तौर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करने के बाद ठंडा करने के लिए रख दें, और जब आपको पीना हो तब आप निकालें। तो देखें इसकी कंसिस्टेंसी अब थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत रेडी हो चुका है रमज़ानों के लिए। तार में इसको रखिए, बहुत मज़ा आएगा। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनी फैमिली का रखिए बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।